दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक माई कैंडी मेकिंग लैब जो आता है एक्सप्लोर की तरफ से। और आपको पता है जिस तरह के अभी हालात हैं, लॉकडाउन है, बाहर का ज्यादा ला नहीं सकते, बाहर का ज्यादा खा नहीं सकते, ऐसे में अगर हो आपके पास खुद का कैंडी बनाने वाला किट तो क्या बात है, मजा ही आ जाए। तो आज करेंगे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, निकालेंगे इसके कंटेंट्स को बाहर और चेक करेंगे कि वाकई में हम कैंडी बना सकते हैं इस किट से। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट जरूर देखिए। तो दोस्तों यार इसका बॉक्स जो है यार काफी बड़ा है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये आता है एक्सप्लोर की तरफ से, ब्रांड नेम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। प्राइस इसका ₹849 ओनली। और इसके नीचे एज अगर देखें तो 6+। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी कंटेंट्स की, मतलब अंदर क्या है वो बाहर ही लिखा हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। हम चेक कर सकते हैं भैया हमें पूरा सामान मिला है कि नहीं मिला है। तो आप सीधे सीधे इस रंग बिरंगे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये हो चुका है ओपन और ये सबसे ऊपर निकलती है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट है इसमें। आप ये मत सोचना कि कैंडी मेकिंग लैब लिखा हो तो सिर्फ कैंडी बनाने का ही एक्सपेरिमेंट होगा, और भी इसमें कई डिफरेंट तरह के कैंडीज़ है ना उनके एक्सपेरिमेंट है, बट यहाँ पे हम एक ही कर ले वही बहुत है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये है मोल्ड्स और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है, सिलिकन मोल्ड्स है ये। आप मतलब ओवन वगैरह में भी, बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ है। उसके नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको ना टैंग मिल जाते हैं देखने के लिए यार, एक लेमन फ्लेवर है, एक ऑरेंज फ्लेवर है। भैया ये किस लिए दिए गए, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। फिलहाल ये है हमारे पास एडिबल स्प्रिंकलर्स और बिल्कुल आप यूज़ करते हैं इसे, देखा होगा आपने कई बार। और क्या नीचे, ये है सिट्रिक एसिड, इसके नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे जिलेटिन, और यहाँ पे इसके अंदर है बेकिंग सोडा, पूरा बेकिंग का सामान है। ये है इसके अंदर कुछ बीकर्स वगैरह और एक प्यारा सा बाउल यहाँ पे हमको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रश भी हमको दिया गया है और यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी दिया मिला है अलग से, यार काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए कमाल की बात है कि यहाँ पे हमको एक फूड थर्मामीटर भी मिला है, और ये असली क्या है भाई, बिल्कुल वाव। तो लग रहा है कुछ टेम्परेचर भी यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। और इसके लास्ट में देखेंगे तो स्टिकर्स हैं और ये कुछ डेकोरेटिव कार्ड टाइप, और एक यहाँ पे प्लेन पॉलिथीन की शीट, और ये बॉक्स हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल खाली। तो जल्दी से बिना किसी देरी के एक्साइटमेंट को करते हैं खत्म और स्टार्ट करते हैं अपना कैंडी बनाने वाला एक्सपेरिमेंट। दोस्तों सबसे पहले हमको ये सिलिकन मोल्ड लेना है और उसके साथ में हमको लेना है कुकिंग ऑयल। अब करना क्या है, कुकिंग ऑयल से ना हम इसे ब्रश करेंगे, ग्रीस करेंगे, ताकि जब हम कैंडी बाद में निकालें तो वो चिपके ना। तो जल्दी से इसे हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे। दोस्तों अब हमको एक मिक्सचर बनाना है, उसके लिए कुछ सामान मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले आप देख लीजिए 50 ml ऑफ वाटर, उसके बाद जो टैंग था ऑरेंज फ्लेवर वो 20 ml यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे ये शुगर है, ये पाउडर्ड शुगर, ये लिए 20 ml, और सिट्रिक एसिड का आपको पैकेट दिख रहा है तो पूरा पैकेट नहीं डालना है, ये डालना है आपको 1/4 टीस्पून। और जल्दी से इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन को मैंने घोल दिया, अब क्या करना है हमें माइक्रोवेव में इसको एक मिनट के लिए हल्की जो हीट है उसमें रख देना है, और उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। तो कुछ इसी तरह से आप भी इसको हल्की सी आंच में गर्म कर सकते हो। ये पानी का बर्तन है और उसके ऊपर मैंने ये बाउल रख दिया है। दोस्तों ये जो है हल्का गर्म कर लिया है, अब क्या करना है जिलेटिन 1/4 स्पून और यहाँ पे 25 ml पानी का जो सॉल्यूशन फिर से बनाना है और इसमें मिक्स करना है। तो ये 1/4 स्पून जिलेटिन मैंने घोल लिया है 25 ml ऑफ वाटर में, और इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से इसको डबल बॉयलर में हल्का गर्म करेंगे। ये सॉल्यूशन को इस बीकर में मैंने ले लिया है। तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है मैंने इस बाउल में ले लिया है, अब जो हम इस मोल्ड्स में उसको डालेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सभी मोल्ड्स में मैंने मटेरियल भर दिया है और अभी भी मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल बाकी है। तो आप क्या करना है भैया, अब इसको रख देना है फ्रीजर के अंदर 3 घंटे के लिए, और 3 घंटे के बाद जो हमारी कैंडीज है ना वो फाइनली तैयार हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे नीचे एक फ्लैट ढक्कन मैंने लगाया बीच में, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं भूल गया था वो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप इसे उठा नहीं पाओगे, ये फ्लेक्सिबल होगा, आपका जो सारा मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है। तो इसी ढक्कन के साथ हम इसे फ्रीजर में रखेंगे।
दोस्तों फाइनली हमारी जेली कैंडीज जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने लगभग इनको 4 से 5 घंटे फ्रीजर में रखा और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह की है। एक बार इन्हें आराम से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लेट के ऊपर अलग अलग शेप्स की जो है वो कैंडीज रख दी है और फिलहाल ये जो है ना आपको तुरंत ही खानी पड़ेगी, नहीं तो मतलब ये जिस तरह से गल रही है ना उससे तो लगता है 5 मिनट में वापस इनका पानी बनने वाला है। एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किस तरह की है। अमेजिंग दोस्तों ये जो कैंडी है बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे आइसक्रीम होती ना मैंगो की वैसी लग रही है और टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है, तो मज़ा आ गया भाई खा के। दोस्तों अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है कैंडीड एप्पल। मतलब क्या है, ये जो आपको एप्पल दिखा है इसके ऊपर हम कैंडी की लेयर चढ़ाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, आप जरूर पूरा देखना। तो सामान यहाँ पे क्या क्या यूज होगा, एप्पल आपको मार्केट से खुद लेना है, उसके बाद यहाँ पे पाउडर्ड शुगर है ये है 75 ml, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 25 ml मैंने पानी लिया है, उसके बाद इस बीकर के अंदर है सिनेमन पाउडर, ये पैकेट के साथ नहीं आपको खुद बनाना है। मैंने क्या किया था, ये जो आपको हमाम दस्ता दिख रहा है इसमें इसको कूट के इसका पाउडर बना दिया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे फूड कलर यहाँ पे 2-3 ड्रॉप यूज होगा तो आपके घर में इजिली अवेलेबल होगा और एडिबल स्प्रिंकलर यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो बस इतना सही था, तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गैस स्टोव जला लेना है, उसके ऊपर एक बर्तन रख लेना है और यहाँ पे 25 ml मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे 75 ml शुगर जो हमने नाप के रखी हुई थी और इसको हम घोल के एक तरह से आप कह लीजिए चाशनी यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसको हल्की आंच में आपको घोलना है। जैसे इसमें बुलबुले आ जाएं तो वापस इसको निकाल लेना है और फिर बुलबुले जब बैठ जाएं तब हल्का हल्का गर्म करके बिल्कुल परफेक्ट चाशनी यहाँ पे बनानी है। तो एक बार थर्मामीटर से नाप लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि 150 टू 160 फ़ारेनहाइट के बीच में ही आपको लेना है और मैं देख लेता हूँ मेरा टेम्परेचर कितना पहुँच गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 160 फ़ारेनहाइट में पहुँच चुका है, तो अब इसे हम निकाल देते हैं, ये तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, ये सिनेमन पाउडर है 1/2 स्पून ये ऐड कर देना है और यहाँ पे 2-3 ड्रॉप जो है आपको फूड कलर भी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये तो हमारा पाउडर मिक्स हो चुका है, अब जो है एप्पल को ले लेंगे और ये जो ऊपर की डंडी है इसे कुछ आप यहां से निकाल लेना और इसकी जगह ये जो आइसक्रीम स्टिक है ना इसको यहां पे हम कुछ इस तरह से अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये एप्पल के चारों तरफ जो है इसकी लेयर चढ़ानी है। अब जो है इसके ऊपर हम थोड़े से स्प्रिंकलर ऐड करेंगे। तो स्प्रिंकलर ऐड हो चुके हैं, अब सिंपली क्या करना है, प्लेट के ऊपर रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंडीड एप्पल बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको लगभग मैंने आधा घंटा फ्रीज में रखा और आप देखिए कि काफी अच्छा लग रहा है। फिलहाल यार टेस्ट एक बार करके देखूं तभी पता चलेगा, रुको। तो दोस्तों मैंने यहाँ से इसका बाइट लिया तो मुझे ना लगभग पूरा सिनेमन जैसा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा एप्पल सा टेस्ट आ रहा है और स्प्रिंकलर जो है थोड़े से क्रंची इसको बना रहे हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट टेस्ट है बट इतना भी बहुत कोई अमेजिंग नहीं लगा मुझे जितना मैंने सोचा था। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से यहाँ पे हमने जेली कैंडी प्लस यहाँ पे कैंडीड एप्पल बनाया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो बाजार में मिलती है ना थोड़ी हार्ड वाली कैंडी वो भी बना सकते हो और 2-3 आइटम इस बुक में है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट उनमें ना थोड़ा हनी वनी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान और लग रहा था जो मेरे पास फिलहाल था नहीं, इसलिए जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है टेस्ट में तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंगो आइसक्रीम ये ओके था बट फिर भी घर में अगर ऐसा बन जाए तो उतना भी बहुत है। फिलहाल ओवरऑल अगर बात की जाए तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट इतने भी कोई बहुत बड़े नहीं थे, बहुत ही मतलब सिंपल से थे और फाइनली जो रिजल्ट आया वो भी लगभग ठीक ठाक ही था। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों जो मेरी इंस्टेंट स्नो वाली वीडियो थी उसे एक बार ओपन कर लेते और देख लेते कितने लोगों ने वहां पे कमेंट किया है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 297 लोगों ने कमेंट किया है, तो आपको पता है 10 से 15 लोगों को यहाँ पे मैं शॉर्ट आउट दूंगा। काफी अच्छे अच्छे कमेंट यहाँ पे किए हुए थे, मतलब पढ़ते पढ़ते बिल्कुल मजा ही आ जाता है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं वो 15 नाम फटाफट से आपके सामने ले आता हूँ और देते हैं उनको शॉर्ट आउट। तो दोस्तों ये है वो 15 नाम जिनके कमेंट मुझे काफी अच्छे लगे। तो सबसे पहला नंबर है मनोज दास, उसके बाद श्रीरन दास गुप्ता, क्लैश देश, हरि वर्मा, दुर्लभ प्रधान, विस्तृत, सृजन, एक्सपेरिमेंट, नितासा अब्बास, चैंपियन स्टार, जतिंदर भांगू, तनिष ठाकरान, टेक्निकल पंडित जी, यश जायसवाल, रश्मि यादव और शशि गुप्ता। तो जिनका नाम नहीं आया वो करिए इस वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट, और अगली बार हो सकता है आपका भी नाम यहाँ पे शाउट आउट किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।